हेलो एवरीवन यू डूइंग आई होप इज डूइंग वेल तो आज मैं बात करूंगी ढाई लफ्जों के बारे में ये ढाई लफ्ज प्यार है ख्वाब है ये तो आप ही जानिए मैं तो ख्वाबों के बारे में बात करने वाली हूँ तो जिंदगी ये ढाई लफ्जों में कुछ इस तरह अर्ज है आधी तो कर्ज है आधी फर्ज है तो निभाते हैं अपना फर्ज जैसे मैंने बताया था प्रॉमिस किया था आपको कि सुपरसोनिक समरी लेके आऊंगी जैसे एग्जाम पे जा रहे स्कूटर पे बैठे और सोच रहे अच्छा लास्ट मिनट रिवीजन मतलब क्या 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 क्या, हो, क्या था फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर में तो क्विक रिविजन इन नट हम अगर लास्ट डे रिविजन जिसको बोलते हैं लास्ट मोमेंट रिविजन में बोल रही हूँ स्कूटर रिविजन बोलती हूँ सुपरसोनिक सोनिक रिविजन बोल रही हूँ तो आई होप आपने पहले वाले च, ये देखे रहेंगे आज हम बात करेंगे चैप्टर टू सोर्स एंड इवेल्यूशन ऑफ रिस्क के बारे में तो देखते लेटमी क्विकली शेयर माई स्क्रीन विथ यू ये yes, so, सोर्स एंड इवेल्यूशन ऑफ रिस्क फर्स्ट चैप्टर में हमने पांच चीज़ें देखी कौन सी पांच चीज़ें हमने देखी कि रिस्क क्या है रिस्क क्या है रिस्क क्या है रिस्क क्या है और रिस्क क्या है राइट right? तो हमने सारे रिस्क के डेफिनेशंस देखे टाइप्स देखे कैटेगरीज देखी हमने बहुत सारे टेबल फॉर्मेट में बहुत अलग अलग दुनियादारी के डेफिनेशन uh, देखे रिस्क मतलब क्या वो समझा राइट right? अब रिस्क की मतलब क्या ये समझने के बाद हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर में जिसका मतलब है सोर्स एंड एवेल्यूशन ऑफ रिस्क राइट इवेल्यूशन ऑफ रिस्क में क्या है मतलब आपको एक बारी आइडेंटिफाई हो गया कि

गेनिंग और लूजिंग द टेंजिबल वैल्यू ऑन होम एंड ऑन वॉट हमने देखा था कि बिजनेस स्ट्रेटेजी हेल्थ पे गुडविल पे प्रॉफिट पे प्रॉब्लम हो सकती है राइट right? तो ये सारा प्रोसेस है तो रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन मीन वॉट दीज आर द अप्रोचेस टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस रहते हैं एक्शन एंड प्रोसेस ऑफ वॉट ऑफ आइडेंटिफाइंग क्या आइडेंटिफाई करे फॉर व्हाट पोटेंशियल इवेंट चैप्टर वन में हमने वो छह सात चीजें देखी थी डायग्राम में देखा था पाई चार्ट जैसे डायग्राम में हमने देखा था कि रिस्क अनसर्टेंटी अकरेंस और नॉन अकरेंस फैक्ट अनसर्टेंटी है ना वो वो हमने देखा था कि फैक्ट्स ऐसे अगर होते हैं तो उसकी वजह से रिस्क आते हैं तो दोज आर पोटेंशियल इवेंट्स राइट ये इवेंट्स क्या करते हैं विच प्रिवेंट फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव कौन से ऑब्जेक्टिव थे टू बी बेटर प्रॉफिटेबल है ना तो ये और कम्युनिकेट करना है राइट right? पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन कौन हो सकते हैं बिजनेस मैनेजर प्रोजेक्ट टीम एस एम ई राइट तो मैंने आपको ये क्रेडिट का जब मैं काम कर रही थी क्रेडिट का तो ये रियल टाइम डोंट वरी इट इज पब्लिकली अवेलेबल सो आई कैन वेरी वेल पोस्ट इट तो मैं जब बाजिल टू से बाजल थ्री पे काम कर रही थी तब uh, का हमारा ये स्ट्रक्चर था तो ये टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे इट्स कॉल्ड वाटरफॉल अप्रोच एंड बॉटम अप तो नीचे से ऊपर राइट सो ये रिस्क के आइडेंटिफिकेशन uh, कैसे हो सकते हैं ये वाले हमने देखे कि हु आर रिस्पॉन्सिबल राइट तो uh, उसके बाद हम देखेंगे 1.2 में देखेंगे कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन टू तो आइडेंटिफाई एक्सपोजर टू अनसर्टेंटी देर इज़ अ थी लाइन डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टनटी चैप्टर वन में हमने देखा है right? राइट तो सिमिलर चीज़ें है वही करना है आइडेंटिफाई एनालाइज मैनेज करना है वॉट कैन गो रॉन्ग एक्सरसाइज करना है फ्लो चार्ट निकालना है राइट right? फिर एस ए थ्री वन फाइव क्या बोलता है एस एन फाइव आई बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बारी आ चुका है चैप्टर वन में भी हमने देखा अब चैप्टर टू में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क मतलब क्या हमने ये भी देखा कि इनिशिएट uh, इनिशिएट करने के रिकॉर्ड में प्रोसेस रिपोर्ट करते वक्त कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा और आप, आपको कंप्लायंस इशूज हो सकते हैं राइट तो ये है आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क फिर पर्सपेक्टिव देखे है ना बिलीव्स देखे जैसे ये सिक्स एंड नाइन का हमने देखा कि बिलीव्स है वहां पे आपको नाइन दिख रहा है मुझे सिक्स दिख रहा है तो पर्सपेक्टिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन फाइनेंशियल नॉलेज एंड कंप्लायंस ये सब अलग अलग हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस पे चलते हैं कि क्वांटिफिकेशन एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया अब बोल रहे हैं हम क्वांटिफिकेशन इसमें ये चैप्टर में पर्टिकुलरली हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे कुछ इलेवन टूल्स एंड टेक्निक्स टेक्निक्स देखेंगे और कुछ टूल्स एंड देखेंगे राइट तो क्वांटिफाई करना है क्वांटिफाई करना है मतलब क्या रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद रिस्क मेजरमेंट करेंगे राइट कि कितना ये है अब चलते हैं क्वांटिफिकेशन पे क्वांटिफिकेशन ये प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन है

क्लियर है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में हम बात करते रहते हैं तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने एक डिसीजन ट्री देखा था कि इन हाउस लेना है चीजें या परचेस करनी है तो हाउ डिड वी अराइव एट दिस पर्टिकुलर चार्ट वो हमने देखा कॉन्ट्रैक्टर डिसीजन वाले एग्जाम्पल देखे की uh, कौन सा लो बिडर बट रिस्की या रिलायबल बट हाई बिडर देखना है तो हमने ये भी एग्जाम्पल देखा था राइट तो ये है डिसीजन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एक्सक्यूज मी आगे बढ़ते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिस्क क्वांटिफिकेशन बात हो रही है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिस्क क्वांटिफिकेशन ओके तो इसमें कुछ ग्यारह चीजें हम बात करने वाले हैं <coughs> कौन सी ग्यारह चीजें ये टूल्स एंड टेक्निक्स है किस चीजों के बारे में है टू असेस एंड इवेल्युएट द रिस्क राइट तो कैसे कैसे रहेगा ये जजमेंट एंड इंट्यूटिव अपने यहां नहीं बट फॉरेन कंट्रीज़ में आउटसाइड इंडिया बहुत सारे लोग बरसों से उसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हैं तो उनको उसकी सारी कुंडली बता रहती है right? राइट तो जजमेंट्स आ जाते हैं इंट्यूशन आ जाता है दे नो वेर एग्जैक्टली उनकी टीम आई मीन दे नो कि उनका क्या काम हो सकता है राइट right? तो जजमेंट और इंट्यूशन के बेसिस पे भी आप रिस्क असेस कर सकते हो इवेल्यूट कर सकते हो फिर हमने देखा डेलफाई अप्रोच डेल्फाई अप्रोच में हमने क्या देखा एक रैंड कॉरपोरेशन यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था इन्होंने ये डेल्फाई अप्रोच इन्वेंट किया था कैसे करना है एक ही चीज़ बहुत बारी डिस्कस करके फिर उसके नटशेल मतलब उसके जो भी सोल्यूशंस आएंगे उसके बारे में फिर से डिस्कस करना है फिर से डिस्कस करना है फिर से डिस्कस करना है, डिस्कस करना है और एक कंसेस एक ग्रैन्यूल लेवल पे आ जाना है उसको बोलते हैं हमने डेल्फाई अप्रोच तो ये डेल्फाई अप्रोच के मैंने आपको ये क्वेश्चन uh, भी दिखाए थे कि राउंड वन में क्या होता है राउंड टू में क्या होता है राउंड थ्री में क्या होता है

पोटेंशियल पोटेंशियल डैमेज ड्यू टू अनफेवरेबल थिंग्स राइट तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा था आर डब्ल्यू एफ रिस्क वेटेड असेट्स राइट फिर क्वालिटेटिव टेक्निक्स में हमने देखा प्रोबेबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड है एस्टिमेटेड पोटेंशियल लॉस है एंड इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से हैं थ्रेड प्लस वनबिलिटी एंड इसके कंट्रोल्स ये कंट्रोल्स आर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इस पे एमसीक्यू भी आता है इस पे स्टडी uh, भी आता है कि कौन सा डेटरेंट मतलब लाइकलीहुड ही आप उसका कम कर दो प्रिवेंटिव प्रोटेक्ट करो करेक्टिव रिड्यूस करो और डिटेक्टिव डिस्कवर करो राइट right? तो ये कंट्रोल्स के बारे में बात होगी ये कंट्रोल चेक्स के बारे में आप ये चारों में से कोई ना कोई तो एक वर्ड पकड़ के आपको एज ए रिस्क मैनेजर बताना पड़ेगा कि वॉट आर योर कंट्रोल कंट्रोल थिंग्स राइट तो ये हमने देखा सिम्युलेशन हमने देखा कि सिम्युलेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है वही चीजें मॉन्टेकार्लो सिम्यूलेशन वही चीजें हमने uh, uh, वो नंबर ऑफ़ ऑकरेंसेस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिर उसका लाइवलीहुड पता चलता है डिसजनट्री हमने ऊपर देखा एक्सपर्ट जजमेंट वही चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड इम्पैक्ट क्या होता है फ्रीक्वेंसी एंड एनालिसिस सीनारीस एनालिसिस में हमने देखा कि सीनारियो दिए रहते हैं और उसके नॉर्मल केस बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बारे में बात होती है तो ये हमने एग्जाम्पल uh, लिया था एनपीवी के बारे में कि क्या uh, कैसे करना है और ये कैसे फ्रेगमेंटेड होता है वो हमने देखा फिर होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब अगर डिले इन परमिट हो गया तो प्रोजेक्ट पे कितना इम्पैक्ट होगा अगर परमिट्स ही नहीं आए या एनरोलमेंट ही नहीं आया तो कितना इम्पैक्ट होगा तो सेंसिटिविटी हाउ सेंसिटिव योर प्रोजेक्ट वुड बी अगर ये सारे रिस्क uh, आए इसको टोर्नाडो डाइग्राम uh, बोलते हैं राइट right? तो ये हमने देखे ग्यारह चीज़ें कौन सी ग्यारह चीज़ें फ़टाफट हमने देख ली है ग्यारह चीज़ें हमने देख ली है Judgment Delphi Approach Scoring क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सपेक्टेड मनी मॉनिटरी वैल्यू सिमुलेशन, डिसीजन ट्री एक्सपर्ट जजमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस एंड सिनारी एनालिसिस अब अदर रिस्क मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे ये अदर रिस्क मेजरमेंट्स कुछ और टॉपिक्स में भी आएंगे जहाँ पे हम क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करेंगे तो ये पी डी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एक्सपेक्टेड लॉस वार मॉडल मतलब जो मार्केट रिस्क का हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है इसको बोलते हैं वार मॉडल इट्स नॉट ओके इट्स वार वार बहुत पाप लगेगा इफ यू कॉल इट एज वॉर इट्स नॉट वॉर इट्स वार अनएक्सपेक्टेड लॉस टॉलरेंस टेस्टिंग होती है सेंसिटिविटी एनालिसिस जो मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया राइट right? इसके आउटपुट क्या है रिस्क क्वांटिफिकेशन के आउटपुट क्या है सिंपल है रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया क्वांटिफाई कर लिया एनालाइज कर दिया सो वॉट द यूज यूज ये नहीं है कि आप रिस्क मिटिगेट कर लोगे पूरा की पूरा बट ये सिस्टमैटिक रिडक्शन होता है राइट द वर्ड इज सिस्टमैटिक रिडक्शन तो कॉमन आउटपुट हमें किस किस चीजों से दिखेंगे रिस्क और कार्ड के थ्रू दिखेगा वार मेजर से दिखेंगे सैम्पलिंग प्लान से दिखेगा सिम्यूलेशन से दिखेगा और प्रोजेक्शन से दिखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट अप्रोचेस क्या क्या अप्रोच है सोलह अप्रोचेस है टोनी हार भी करके आ, रिस्क प्रोफेशनल थे उन्होंने ये सोलह अप्रोचेस के बारे में बात किया ऊपर हमने देखा टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिस्क क्वांटिफिकेशन गड़बड़ मत करना कंफ्यूज मत हो जाना ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट अप्रोचेस है एनालिसिस एंड प्रोसेस ब्रेन में वही चीजें है कि बैठिए बात करिए आपके रूट कॉज एनालिसिस करिए कंसर्न करिए क्वेश्चन एंड इंटरव्यूज़ आपके क्वेश्चनियर्स रहते हैं आपके फीडबैक लेते हैं आपसे इंटरव्यू लेते हैं चेकलिस्ट करते हैं कि पोटेंशियल हजार्ड कितना है व्हाट इफ टेक्निक देखिए व्हाट इफ टेक्निक का हमने ये ये बहुत अच्छा टेक्निक देखा था कि अगर ये हुआ तो क्या तो कितना रिस्की है अनकंडीशनल है कंडीशन है कंट्रोल्स है नहीं कंट्रोल्स है तो ये इफ टेक्निक के हमने एग्जाम्पल देखे सिनारीो एनालिसिस जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट सिनारीोज में कितना आपका प्रोजेक्ट सेंसिटिव हो सकता है ये सिनारियो एनालिसिस भी हमने देखा राइट right? तो हाँ सॉरी ये रिस्क एपिटाइट के बारे में हमने ये मैंने आपको ये भी दिखाया था कि हाउ इट लुक्स लाइक एच का ये हमने रिपोर्ट देखा था कि ये इनका uh, कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है बिजनेस प्रैक्टिस क्या करते हैं राइट तो दैट दैट वी सॉ फिर आता है फॉल्ट ट्री एनालिसिस इट इज रिवर्स इंजीनियरिंग राइट तो ये एग्जाम्पल लिया था कि नीचे से ऊपर मतलब फेल्य क्या हुआ फेल्यूर हुआ तो क्या होगा उससे आगे क्या होगा तो रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में हमने देखा फॉल्ट्री एनालिसिस वो टाई एनालिसिस भी हमने देखा uh, जहां पे कि इट्स लाइक अ शेप राइट सो इसके क्या क्या uh, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ये हमने आई एनालिसिस में देखा डेली ऑब्जर्वेशंस डेली ऑब्जर्वेशंस आपके होते रहते हैं ये वन ऑफ द अप्रोचेस है इंसिडेंट एनालिसिस कापा मैंने आपको सिखाया था दिखाया था मैंने बताया था कि जब मैं यू के ऑपरेशन में थी तब मैंने कैसे करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के हमारे पी टू पी मतलब पे, आ, पेरोल टू पेमेंट वाले जो सारे जो पेमेंट जाते थे तो उसमें अगर कोई रिकरेंट प्रॉब्लम्स होती थी तो वो कैसे सॉल्व करेंगे दैट इज इंसिडेंट एनालिसिस एक रिस्क रजिस्टर बनती थी उसके उसमें सारे ये प्रॉब्लम डिफाइन किए जाते थे नेक्स्ट मंथ उसके एक्शन लिए नहीं लिए उसको बोलते थे कापा कॉल सी ए पी ए करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन सर्वे लेते हैं जैसे सर्वे मंकी डॉट कॉम रहता है तो आपसे सर्वे लेते हैं कि वॉट डू यू हाउ हेल्दी इज़ आपके थाट्स आपके ओपिनियंस आपके आइडियाज़ ये सारे सर्वे से रहते हैं वर्कशॉप्स लिए जाते हैं कंपैरिजन प्योर बेंचमार्किंग राइट वर्सेस वर्सेस बैंक बैंक यूबीएस तो बेंचमार्किंग होती है कि आपके परफॉर्मेंस अचीव कैसे होते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स में वो देखा जाता है स्टेक होल्डर एनालिसिस वर्किंग ग्रुप्स क्रॉस फंक्शनल है ना कि यही चीज बेल कर्व भी मैंने आपको तब बताया था कि बेल कर्व रहता है क्रॉस फंक्शनल क्रॉस कल्चरल क्रॉस टीम्स कैसा चीज़ें आइडेंटिफाई होती है एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉरपोरेट नॉलेज राइट तो कॉरपोरेट नॉलेज के बारे में हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट चल क्या है डॉक्यूमेंटेड लेसन लर्न ये सारा हमें डॉक्यूमेंटेड uh, करना पड़ता है राइट right? तो ये सारे अप्रोचेस हैं अब ये बता रहे प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो पहले ही करना चाहिए तो वो अभी कर रहे हैं विच इज़ ऑल राइट तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में व्हाट हाउ एंड वेयर हाँ क्वेश्चंस टू आज कि वॉट गो व्हाट कैन गो रॉन्ग व्हाट कैन गो राइट देन हाउ कैन इट फेल डिस्ट्रप्शन कैसे हो सकता है वेयर एंड विच मतलब कौन से एरिया में वल्नरेबल है कौन से एरिया में मनी स्पेंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है तो ये सारा प्रोसेस एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने बात किया आगे बढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क इंटरनल एंड एक्सटर्नल है ये बारी बारी आता रहेगा इसका आप जो हमने बहुत सारे आ, के स्टडीज देखे थे पचास से ऊपर हमने study, के स्टडी फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड हमने देखे थे उससे आपको रिलेट कर लेना कि सोर्सेज ऑफ रिस्क आर ऑल बिकॉज ऑफ कंपनी के एन्वायरमेंट से हो सकता है इंटरनल एक्सटर्नल क्या क्या हो सकता है कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल तो वो सारे हैं स्वाट एनालिसिस एग्जाम्पल ये है स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपरचुनिटी तो हमारे पास इतने सारे स्वाट एनालिसिस के मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है कि जेपी मॉर्गन का स्वाट एनालिसिस क्या है बाकलिस का क्या है एफ का क्या है पेप्सिको का क्या है ये सारे स्वाट एनालिसिस पढ़ के जाना स्वाट एनालिसिस साथ में लेके जाना स्वाट एनालिसिस के चलते आपको लिखते आएगा ऐसा इस बेसिस पे एक ट्रिक देती हूँ अगर आपको लिखते भी नहीं आया कुछ समझा नहीं तो ये सारे डिफरेंट इंडस्ट्री टाइप का मैंने पूरा राइटअप दे रखा है आपको राइट right? तो वो राइटअप के साथ हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्यूशन स्टेटमेंट दे के रखे है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए उठाओ देखो रिलेट करो और लिख दो राइट इट इज़ एज सिंपल एज दैट स्वाट एनालिसिस इज दैट देन हाँ ये ये चैप्टर वन में भी आप आया था कि रिस्क सोर्स मैट्रिक्स क्या है ये फंक्शनल कॉर्पोरेट के फंक्शन है गवर्नेंस फाइनेंस ऑपरेशन प्रिपेयरनेस एंड इंटीग्रिटी यू रिमेंबर टॉप फिफ्टी बिजनेस रिस्क इसमें भी हमने डिपार्टमेंट वाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सोल्यूशन स्टेटमेंट दिए थे तो वही चीज़ें हैं वापस वापस वही पढ़ना है और कुछ करना नहीं है थ्रेट मैट्रिक्स ये थ्रेट मैट्रिक्स है ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे थ्रेट इवेंट इम्पैक्ट होता है किस किस पे इम्पैक्ट होता है हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था तो ये है ए ए मतलब आ, हमें इसके सारे ए वी ए पी डी मतलब डिटेक्टिव करेक्टिव ये मेजर्स हमने दिए थे प्रिवेंटिव है ना तो ये वो एक बार देखे जाना है थ्री पॉइंट टू में देखेंगे हाई वैल्यू थ्रेड एंड रिस्क मुंबई सिटी का एक एग्जाम्पल है क्या क्या हुआ है फायर फ्लड केमिकल हजार कोस्टल प्रॉब्लम विच इज ऑल राइट वी कैन इजीली स्किप दैट ग्लोबल रिस्क आउटलुक हाँ ग्लोबल रिस्क आउटलुक में हमें ये देखना है कि कंट्री रिस्क राइट कंट्री रिस्क जैसे मैंने रशिया और यूक्रेन का आपको फर्स्ट चैप्टर में दिखाया था कि सॉवरियन प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है तो वैसे ग्लोबल रिस्क आउटलुक क्या है राइट तो इसके चलते क्या हो सकता है रिच एंड पुअर की डिस्पैरिटी बन सकती है टेक्नोलॉजी वैल्यूशन में प्रॉब्लम आ सकता है ए टेररिस्ट अटैक क्लाइमेट चेंजेस ग्लोबल वार्मिंग एंड नाउ दिस यू नो नाउ दिस वॉर लाइक सिचुएशन आई मीन वॉर एग्जैक्टली सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ेक्टिव रिस्क आइडेंटिफिकेशन उसके रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसके ट्रिगर्स देखेंगे और बेनिफिट क्या होगा इससे इसके बेनिफिट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मीनिंगफुल फीडबैक निकाल सकते हैं इफेक्टिव मिटिगेशन ऑफ रिस्क कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप होगा कि रिस्क इवेल्यूएशन uh, कर लो प्रोबेबिलिटी देखो कॉस्ट इम्प्लिकेशन देखो प्रायोरिटाइजेशन करो एंड इम्पैक्ट एनालिसिस करो ठीक है यूज ऑफ स्पेसिफिक टूल्स हमने देखे पेस्टल स्टेप पेस्टल मतलब क्या पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एस स्टैंड सोशल टी स्टैंड टेक्नोलॉजिकल एल फॉर लीगल एंड एनवायरमेंटल राइट सो पेस्टल स्टेप एंड ई टी पी एस हमने देखा रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है एक तो मिटिगेशन है ये सबसे अगेन जैसे आप कॉन्टिफाई कर रहे हो आइडेंटिफाई कर रहे हो आपके वो 11 और 16 टेक्निक्स एंड अप्रोचेस देख लिए उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एक तो अवॉइड करो इसके रिस्पॉन्सेज है ना एक तो अवॉइड करो रिड्यूस करो ट्रांसफर करो या फिर एक्सेप्ट करो राइट right? रिस्क के रिस्पॉन्स मतलब हाउ मैं हमेशा से बोलती हूँ डोंट रिएक्ट रिस्पॉन्ड वैसे ही रिस्क आने के बाद डोंट जस्ट रिएक्ट रिस्पॉन्ड कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अवॉइड कर लो कंप्लीट अवॉइड कर लो जैसे हमने अवॉइड किया कोविड uh, नाइन्टीन में फेस टू फेस जाना वर्क फ्रॉम होम करना बिकॉज फिर अवॉइड करेंगे कि आ, उनका सेफ्टी बरकरार रहे रिड्यूस करेंगे इनहेरेंट रिस्क है नहीं नहीं कम कर सकते तो आई I मीन mean, नहीं टाल सकते तो कम कीजिए ट्रांसफ़र और शेयर इंडेमनीफाई करो इंडेमनीफाई करो मतलब इंश्योरेंस लो हेज करो रेंट वाले कुछ अग्रीमेंट्स uh, करो और एक्सेप्ट करो मतलब है तो है हम तो भाई ऐसे है राइट right? तो ये ये हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे कि अवॉइड करें करेंगे रिड्यूस के एग्जांपल्स देखे ट्रांसफ़र मतलब हेजिंग इंश्योरेंस लीज uh, अग्रीमेंट के हमने एग्जाम्पल्स देखे फिर हमने एग्जाम्पल देखे कि एक्सेप्ट करना मतलब क्या डूइंग नथिंग लाइक दिस इज अ पैसिफ एक्सेप्टेंस राइट तो ये हमने देखा कि रिस्क रिस्पॉन्स क्या है राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं रिस्क मिटिगेशन मेजरमेंट्स एंड नॉट टेक्निक्स सेल्फ असमेंट कैलकुलेट रिजर्व कैपिटल रिक्वायरमेंट इंटरनल कंट्रोल विच इज़ ऑल राइट कोई बात नहीं एंड देन इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क इम्पैक्ट एनालिसिस होता है इम्पैक्ट अनाल कहाँ पे एरियाज क्या है स्ट्रेटजी फाइनेंस कस्टमर एम्प्लॉय एंड वेंडर एंड नेचर ऑफ इम्पैक्ट कैसे हो सकता है अगेन आपके जो 50 टॉप बिजनेस रिस्क है डिपार्टमेंटल वाइज वो आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा कर सकते हैं राइट इंपैक्ट एनालिसिस में फिर आता है बी आई ए बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस ये मैंने आपको दिखाया कि डिस्ट्रप्टिव uh, इवेंट और बी आई ए का कैसे एग्जाम्पल है और भी हमने रिस्क असेसमेंट और बिजनेस इंपैक्ट का देखा कि ये कैसे इंपैक्ट होते हैं ये हमने बहुत डिटेल में uh, देखा है कि इम्पैक्ट एनालिसिस uh, कैसे होता है राइट सो दैट्स योर इम्पैक्ट एनालिसिस एंड दैन एग्जाम्पल ऑफ बी आई मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लें करके दिखाया था कि मैं जब ट्रेड स्विस्ट में थी तो कैसे एग्जाम्पल ये हुआ था uh, कैसे हम करते थे राइट सो दैट इज़ बिजनेस इम्पैक्ट अनालिस फिर चलते हैं आइडेंटिफाई एंड अ सेज द इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स में मतलब बिजनेस रिस्क के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कौन कौन स्टेक होल्डर्स है इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन हैं राइट सो मिस्टर जॉन क्या uh, डेफिनेशन यहाँ पे आ रहा है वो हम देखेंगे एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल ऑफ रिस्क मैनेजर एंड रिस्क कमिटी ये है रिस्क मैनेजर और रिस्क कमिटी के जो रोल्स है ना ये आप मेटिकुलसली यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख के रखिए जो हमने डिस्कस कर रखे हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के वक्त भी काम आएगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एम बहुत अच्छे से आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिस्क मैनेजर का रिस्पांसिबिलिटी है ये कमेटी की रिस्पांसिबिलिटी है ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है फर्स्ट लाइन है या सेकंड लाइन है है ना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right? तो ये था अपना सुपरसोनिक फास्ट 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 एकदम फास्ट वाला आई होप नथिंग इज लेफ्ट येस तो ये था हमारा चैप्टर टू रिस्क एंड इवेल्यूशन ऑफ सॉरी सोर्स एंड इवेल्यूशन ऑफ रिस्क ठीक है तो हमने मेजर पार्ट्स देख लिए उसके कि क्या क्या हमने देखना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है क्वांटिफिकेशन कैसे करना है ग्रिड मैट्रिक्स हमने देखे टूल्स एंड टेक्निक्स हमने देखे जो 11 टूल्स एंड टेक्निक्स है राइट right आउटपुट क्या हो सकता है फिर 16 टेक्निक्स हमने देखे फिर हमने देखा कि ग्लोबल रिस्क आउटलुक मतलब क्या है आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं मिटिगेशन प्लान क्या है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एनालिसिस क्या है एंड रोल ऑफ रिस्क मैनेजर एंड रिस्क कमेटी राइट तो ये था एकदम क्विक नट शेल में थोड़ा सा ज्यादा था बहुत ज्यादा क्विक नहीं था बट क्या करे डेफिनेशन ही इतने थे प्रॉब्लम्स ही इतने थे तो बस अब यही है पढ़ते रही है कुछ प्रॉब्लम आया कुछ इश्यूज़ है कुछ क्वेश्चंस है फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी नीचे सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए है सो ऑन दैट नोट मिलते हैं फुर्सत में है ना बात करते रहेंगे मिलते रहेंगे कुछ प्रॉब्लम आया बताते रहो तो जाते जाते एक बता याद नहीं है शायद हाँ जब आ, आपको ऐसे लगेगा कि इट इज गेटिंग टू मच तो थोड़ा फ्रैगमेंट कर लेना ये सेकेंड चैप्टर आई नो बहुत बड़ा है तो थोड़ा 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 करके पढ़ो बहुत ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है कि वो इलेवन टेक्निक्स सोलह अप्रोचेस और बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेक्टिव ये वाले जो ये है वो याद रखना है ना वो काम में आएंगे आपके के स्टडी में ये काम में आएंगे हाँ रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिलेटेड कमिटी ये काम में आएंगे अपने एम के लिए और राइट चलिए मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन आऊंगी थर्ड सुपरसोनिक समरी लेके थर्ड चैप्टर के लिए वेरी सुन थैंक यू सो मच टेक केयर बाय